हेलो फ्रेंड्स, टेक माय आरएस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर। यह क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये एसएससी सीरियल 2013, एसएससी सीएचएस एसएल 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपके लिए, आज 2 तारीख हो गई और 4 तारीख से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपकी रीजनिंग, मैथ और जीएस इन और हिंदी जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिक जो आपके को आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, एग्जाम आने वाले हैं। बहुत लोगों के तो एग्जाम 10 जनवरी से ही हो जाएंगे स्टार्ट, और कुछ लोगों के एग्जाम बहुत लेट हैं। तो जिनके एग्जाम लेट हैं वो तो फायदा उठा सकते हैं, पर जिनके एग्जाम बहुत पास में हैं तो वो फायदा नहीं उठा सकते ज्यादा। तो क्या होगा दोस्तों, तो उनके लिए कि अब ऐसा होता है कि हम कुछ बच्चे तो लगातार बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़ लेंगे, या कुछ ने स्टडी छोड़ दी होती है फिर वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अब आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको आज एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अब आपको लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर पासिंग या कट ऑफ के पार कर सको, जिससे कि आप ज़्यादा ना मेहनत कर पाओ और पास कर सको, आप फिजिकल तक तो पीटी तक तो पहुँच ही सको। तो उससे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में करने की तो बात कुछ नहीं है, कर तो सभी सकते हैं इसको, पर इसमें समय की बात है कि अगर हम समय देखते हैं तो क्या होता है कि समय लगता है इसमें सारा का सारा, कि हम हर चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, हमें ए ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, बी ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, सी ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा और डी ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। पर हमारे पास इतना समय नहीं होता दोस्तों कि हम सारे ऑप्शनों को ट्राई कर सकें और हम अपना जल्दी से क्वेश्चन ला सकें। 15 से 20 सेकंड के अंदर। पर दोस्तों क्या है, क्या हमें लाना तो इतने के अंदर है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसमें क्या है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, जी नहीं है तो थोड़ा जल्दी में, आपको नर्वस नहीं होना है, आपको जल्दी से कैसे करना है। अगर देखो कहीं पे हमें 115 दिया बराबर में, हमें ये दिया इधर वाली संख्या, तो हमें इसमें ऐसा कौन सा लगाएं डायरेक्ट जिससे हमारा आंसर सही बैठ जाए। ये चीज़ देखो दोस्तों, अगर हम बाहर लगाएंगे, यहाँ पे अगर बाहर लगाते हैं तो यहाँ 3 बचेगा, ऑप्शन एक ही बार कर रहा हूँ, अगर बाहर भी लगाएंगे 3 बचेगा, फिर गुणा लगाएंगे यहाँ पे तो 3 9 9, और फिर गुणा लगाएंगे 9 तब भी नहीं होगा, एक ऑप्शन तुम्हारा वैसे ही गलत हो गया। ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ जैसे सभी बच्चे करते हैं। और ऑप्शन बी की बात रही, ऑप्शन बी पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ 22 सोचेंगे, यहाँ 22 सोचेंगे, ऑप्शन बी से करेंगे तो 22 सोचेंगे, 11 से 22, फिर उसका गुणा कर देंगे 3 का गुणा करेंगे 66, फिर प्लस कर देंगे तब भी नहीं आएगा, तब भी वो बेहतर ही रहेगा, बेहतर ही आएगा। पर हमें हमारा तो ऑप्शन आंसर 115 लाना है बराबर में। अब देखो यहाँ पे अगर हमें इतना चाहिए तो ये भी तो ऑप्शन हमारा सेम है, पलटी तो दिया संख्या, संख्या को पलटी तो दिया तो ये नहीं आएगा, तब हमारा अब यहाँ 3 गलत हो तो एक सही हो जाएगा। कुछ बच्चे तो इस प्रकार से करते हैं। पर अब आप आयो आर एस सर के पास पढ़ने, तो आपको कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए जिससे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। तो देखो दोस्तों अब इसमें हम क्या करें जल्दी से जिससे हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाए, हम इसमें ऐसे क्या कौन सा बोला है कि जिससे हमारा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना है, हमें 115 की पास संख्या लेके जानी है, और ऐसा 115 के पास संख्या लेके जानी है जिससे कि हमारी संख्या कट सके। अगर मान लो मैं ऑप्शन ए लगाता हूँ, अगर ऑप्शन ए लगा दिया, ऑप्शन बी लगा दिया, सॉरी -11 × 3 + 6 22 बचा, 3 66 हो गया, प्लस 6 72 हो गया, पर हमारा बेहतर तो आंसर नहीं आएगा। तो इसी ये चीज नहीं करनी आपको, तो इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन वो ट्राई करना है जहां लगभग हमारी अगर संख्या, ये वाली संख्या बराबर में 115 है, और ये संख्या में कोई संख्या ऐसी पहली, जैसे मान लो पहला चिन्ह देखो, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अगर हम जोड़ेंगे भाग देंगे तो हमारी संख्या 3 हो जाएगी, और यहाँ माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगी, और प्लस करेंगे तो 44 आएगी। हमें ऐसी संख्या यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगाना है पहले अंक में कि वो हमारा इस संख्या से ऊपर बन जाए, कितना भी ऊपर बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी ऊपर बन जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या देखना है कि ऊपर बन जाना चाहिए। मान लो अगर हम 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हो जाएगा, 7 में डिवाइड है हमारा, तो देखो 3 × 11 / 3 + −6 हो गया, तो दोस्तों 11 सॉरी 33
ग्यारह अपन थ्री माइनस है, ये करना है इससे कितना, ग्यारह ग्यारह तेरह ग्यारह एक सौ इक्कीस हो गया इसके, इसका माइनस छः का तो बराबर एक सौ पंद्रह आ गया, तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। ऐसे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, तो हमारा ऑप्शन तो कौन सा सही होगा, एक सौ तीन एक सौ पंद्रह आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस नजर से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको समय ना लगाओ क्वेश्चन के ऑप्शन रखने में, समय ना लगाओ।